Assalamu alaikum to you. This is Majid Imam Jokhi. And we are going to study Montego Shelsford Reforms 1909. आज हम Montego Shelsford Reforms 1909 को स्टडी करेंगे. Montego Shelsford Reforms को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है. तो इसलिए मैंने इस साइड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. अब Montego Shelsford Reforms को क्यों Montego Shelsford Reforms कहा जाता है, इसकी बड़ी वजह यह है कि जो Montego थे ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड Shelsford वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. तो ये जो रिफॉर्म्स थी ये इन्हीं के नाम से इंट्रोड्यूस हुई थी, इन्हीं की कोशिशों से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी और इम्प्लीमेंट हुई थी. तो इसलिए इन्हें Montego Shelsford Reforms 1909 कहा गया. जो की फीचर्स या की जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की गई इस पूरे डेवलपमेंट के थ्रू, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ये हुई Montego Shelsford Reforms के नाम से, जो की रिफॉर्म्स थी वो थी, नंबर वन एनहांसमेंट फॉर इंडियंस इन GGEC. GGEC मींस गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल. जो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो इंडिया में उस वक्त कैबिनेट के तौर पर काम कर रही थी, उसकी हैसियत एक कैबिनेट की थी. तो उसमें जो इंडियंस थे उनकी तादाद को बढ़ाया गया. तीन इंडियंस को, जो थ्री इंडियंस थे उनको उस गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडल्ज किया गया, शामिल किया गया. तो इस तरह जो इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन थी वो इस इन Montego Shelsford Reforms के नतीजे में गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बढ़ी. जो सेकंड इम्पोर्टेंट रिफॉर्म थी वो ये थी कि फॉर्मेशन ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर. Montego Shelsford Reforms में ये कहा गया कि जो इंडिया होगा आप उसमें इंडिया की जो पार्लियामेंट होगी, आजकल की जो हमारे पास पार्लियामेंट होती है, जो लेजिस्लेचर होगा वो बाइकैमरल होगा. इट मींस के वहाँ पर दो हाउसेस होंगे, एक हाउस नहीं होगा, दो हाउसेस होंगे. एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा, एक फर्स्ट चैम्बर होगा और एक सेकेंड चैम्बर होगा. दो तरह के आमतौर पर लेजिस्लेचर्स होते हैं, एक यूनिकैमरल होते हैं, एक बाइकैमरल होते हैं. जो यूनिकैमरल होते हैं उनमें एक हाउस होता है और जो बाइकैमरल होते हैं उसमें दो हाउस होते हैं. तो यहाँ पर ये कहा गया कि इंडिया में अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा, यानी एक पॉपुलर हाउस होगा और एक यूनियन हाउस होगा, जिसे जो है वो आज हम सेनेट कहते हैं. जो पॉपुलर हाउस होगा वहाँ पर आवाम के नुमाइंदे बैठेंगे और जो सेनेट होगा, सेकंड चैम्बर जो होगा, उस वक्त उसे सेनेट नहीं कहा जाता था, आज हम उसे सेनेट कहते हैं. तो जो सेकंड चैम्बर होगा वहाँ पर जो यूनियंस होंगे, यूनियन की जो जितनी भी टेरिटरीज हैं या जितनी भी स्टेट्स हैं उनके नुमाइंदे बैठेंगे और लेजिस्लेशन करेंगे. तो ये दो अहम पॉइंट्स थी इसकी. अब जो तीसरी अहम जो पॉइंट थी इस Montego Shelsford Reforms की वो ये है कि डिवीज़न ऑफ पावर्स. इंडिया में डिवीज़न ऑफ पावर इंट्रोड्यूस करवाई गई, यानी जो प्रोविंसेस होंगे और जो सेंटर होगा उनके दरमियान पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीज़न को इंट्रोड्यूस करवाया गया. फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन, इस तरह के जो मामलात थे उनको सेंटर को हैंडल करना था. फिर जो लेस इम्पोर्टेंट मैटर्स थे जैसे एजुकेशन, वो लेस इम्पोर्टेंट तो नहीं लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें तो उसके हिसाब से वो लेस इम्पोर्टेंट थे. जिस तरह हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया या सैनिटेशन हो गया, ये जितने भी जो है वो मामलात थे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देखने थे तो उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दिया गया और जो फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन वगैरह के मामला उनको सेंटर को दिया गया. तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इंट्रोड्यूस करवाया गया
इंडिया में। जो फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स वर मेंटेन्ड। जो मुस्लिम्स थे उनके पास सेपरेट इलेक्टोरेट्स उनको ग्रांट किए गए थे ब्रिटिशर्स की जानिब से, तो उनको एज इट इज़ रहने दिया गया, यानी उनको उनके साथ जो है वो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो मुस्लिम्स के पास थे वो उन्हें एज इट इज़ रहने दिया गया, और मुस्लिम्स को ये कहा गया कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स के थ्रू इलेक्शंस कंटेस्ट करें। जो पांचवा अहम फीचर था इस मोंटेगो शंसफोर्ड रिफॉर्म्स का वो था सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मोंटेगो शंसफोर्ड रिफॉर्म्स के इंट्रोड्यूस होने से पहले जो सैलरी थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो सैलरी थी वो दी जाती थी इंडिया के खजाने से, इंडिया के रेवेन्यू से। लेकिन मोंटेगो शंसफोर्ड रिफॉर्म्स के इंट्रोड्यूस करवा होने के बाद जो सैलरी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वो अब इंडिया के रेवेन्यू से नहीं, इंडिया के बजट से नहीं, बल्कि ब्रिटेन के बजट से उसे दिया गया। तो ये एक अहम पॉइंट थी इस मोंटेगो शंसफोर्ड रिफॉर्म्स की। छठा और लास्ट पॉइंट जो था वो था सेटिंग ऑफ अ कमीशन आफ्टर 10 ईयर्स। मोंटेगो शंसफोर्ड रिफॉर्म्स में कहा गया कि इंडिया में हर 10 साल के बाद एक कमीशन जो है वो भेजा जाएगा ताकि वो इंडिया के हालात को मद्देनज़र रखते हुए, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ के ओपिनियन को सामने रखते हुए, मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स के ओपिनियन को सामने रखते हुए इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद करें। तो ये एक अहम प्रोविज़न था इस मोंटेगो शंसफोर्ड रिफॉर्म्स का, और हमने देखा कि इस पर काम भी अमल भी हुआ। साइमन कमीशन फिर बाद में इंडिया में आया और उसने, वो एक अलग बात थी कि साइमन कमीशन नाकाम हुआ, लेकिन इस प्रोविज़न के मुताबिक साइमन कमीशन को भेजा गया ताकि वो इंडिया के मामलों को देखे। तो ये आज हमने स्टडी किया मोंटेगो शंसफोर्ड रिफॉर्म्स 1909। आई होप कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। पाकिस्तान स्टडीज़ के मज़ीद इसी तरीके से इसी मेथड पर टॉपिक्स जितने भी हैं उनको कवर करेंगे। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।